हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर से है जो है केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास में ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रिएक्शन के ऑर्डर क्या होगी और मोलिकुलरिटी क्या होगी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखना लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। बात ये होती है कि ऑर्डर जो होती है एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो होती है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। बच्चों, एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होगा कि आपको कोई भी रिएक्शन देगा, उससे आप उस रिएक्शन से आपको ऑर्डर निकालनी होगी, लेकिन मोलिकुलरिटी को निकालना नहीं पड़ता, ये एक थ्योरेटिकल होती है आपके पास में। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, ये जो आपके पास में ऑर्डर होगी, ये ऑर्डर होगी इट इज सम ऑफ पावर रेट लो इक्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रेट लो इक्वेशन। देखो ये लिखा हुआ है इट इज सम ऑफ पावर इन रेट लो इक्वेशन। रेट लो इक्वेशन क्या होता है कि R इज डायरेक्टली ये a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा। तो यहाँ पर R के a की पावर क्या होती है अल्फा और b की पावर क्या होती है बीटा। अकॉर्डिंग टू द रेट लो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इसकी पावर है a प्लस b, ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगी एन, और एन को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए सिंपल रिएक्शन, कि आपके पास में कोई भी एक रिएक्शन जो है जो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल रिएक्शन का मतलब होता है इट मीन्स ये रिएक्शन जो होगी आपके पास में ये टू स्टेप में कंप्लीट होगी या वन स्टेप में कंप्लीट होगी। अगर मोर देन टू स्टेप में कंप्लीट होती है तो सिंपल रिएक्शन ना होकर बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसका मतलब, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। कोई भी एक रिएक्शन दी गई है, जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दी गई है कि टू ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और आपसे बोला जाएगा इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आर जो हो जाएगा के, ए की पावर कितना हो गया दो, ये दो तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो आगे ये दो लिखा हुआ है, ये इसकी क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट स्पीसीज, अब यहाँ पर रिएक्टेंट स्पीसीज कितनी है दो है, कितनी रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है दो, तो ये क्या हो जाएगी इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी बच्चों। आगे चलते हैं, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शनल, कि आपके पास में जो ऑर्डर जो होती है ये 0, 1, 2, 3 और डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन आपके पास में मोलिकुलरिटी जो होगी हमेशा और हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी 0, 1, 2, 3, क्योंकि ये कभी डेसिमल में नहीं होती। क्योंकि बच्चों, कभी आपने ऐसा सुना क्या कि सर जी एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में हमारे पास में आधा मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, क्योंकि मोलिक्यूल जो होता है हमेशा दो एटम से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमें सीधे सीधे याद रखना है, सभी मोलिकुलरिटी जो होती है वो हमारे पास में एक नेचुरल नंबर होगी 1, 2, 3। ठीक है, और ऑर्डर जो होती है बच्चों वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है, 0, 1, 2, 3 आपके पास में 1000 हो सकती है, 100 हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ही हो सकती है, 3 ही हो सकती है। अब आप बोलोगे सर 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों अगर मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा आती है तो वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं होगी, कैसी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जैसा कि वी नो दैट कि मोलिकुलरिटी जो होती है सिंपल रिएक्शंस के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी ये मोर देन वन स्टेप में कम्प्लीट होगी, और उनमें हमें स्टेप देखना है कि कौन सी स्टेप, उनके सामने लिखा हुआ स्लो स्टेप, और जो जिसके सामने स्लो स्टेप लिखा होगा वो रेट डिटरमिनेशन स्टेप कहलाएगी। मतलब कि स्लो स्टेप में कितने रिएक्टिंग, कितने रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट करें उसकी क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी। जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक रिएक्शन दी गई है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमारे पास मान लो एक ये रिएक्शन है 2A + 3C कन्वर्ट हो रही है, पता नहीं किसमें कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बोल दिया कि ये जो स्टेप फर्स्ट है, एक आएगी स्टेप सेकेंड, एक आपके पास आएगी स्टेप थर्ड, तीन स्टेप में कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट होगी। जैसे मान लो ए से
ए प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है मान लो प्रोडक्ट में, फिर यहाँ बोलेगा सी प्लस टू ए कन्वर्ट हो रहा है इसमें। अब यहाँ पर आपके पास में बोल देगा कि ए प्लस जो भी दिया आपके पास में, जैसे मान लो यहाँ पर बोलेगा टू सी, ठीक है। अब इनके सामने लिख के देगा कि ये फास्ट रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है, ये भी कैसी है फास्ट, और ये कैसी है स्लो स्टेप है। तो जो स्टेप के सामने आपके पास में स्लो लिखा मिले, जिस स्टेप के सामने क्या मिल जाए स्लो लिखा मिल जाए, उसी को हम बोलेंगे रेट डिटरमिनेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? रेट डिटरमिनेशन स्टेप। मतलब कि आपके पास में इस स्टेप में रिएक्टेंट स्पीसीज कितनी है, एक और दो तीन, तो इसकी मोलिकुलर कितनी हो जाएगी, तीन, तीन से ज़्यादा कभी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है इट इज एप्लीकेबल टू सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अप्लाई होती है, सिंपल रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होंगी मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होंगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, इट इज डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन, ये किस पर डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू द रेट लो, लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टिंग स्पीसीज, कि हमारे पास में ये देखो मोलिकुलरली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, मोल्स कितने हैं, और लास्ट है ये जो ऑर्डर होगी इसको प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको इफेक्ट नहीं करते, ठीक है बच्चों। बाकी बातें करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में।